खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। वो 5 महीनों का लंबा समय लियोनेल मेसी के लिए अग्नि परीक्षा थी। हुआ यूं कि बार्सिलोना क्लब के ट्रायल के बाद और क्लब में एडमिशन होने के बीच 5 महीने छोटे लियो को इंतजार करना पड़ा और उनके लिए ये समय काफी कठिन था। क्यों? स्पेन में विदेशी होने के कारण मेसी को छोटी मोटी लोकल टीम के अलावा खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, जिस कारण उनके खेल का स्तर गिर सकता था। माँ भाई बहनों के साथ वापस देश चली गई। ना कोई दोस्त था, ना मेसी को लोकल भाषा आती थी। यहाँ बात करने के लिए केवल उनके पिता थे, जो उन दिनों नौकरी, पैसे और क्लब के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चिंतित रहते। इसी बीच लियो का पैर भी टूट गया। छोटे मेसी अक्सर रात में माँ को याद करते और रोते हुए सो जाते। सोचिए, अनजान देश में 13 साल के अकेले पड़ गए मेसी के लिए हार मान लेना और घर लौटाना कितना आसान था। कोच रिचकार्ड कहते हैं कि लोग टैलेंट की बात करते हैं, लेकिन मेसी की असली ताकत है मेंटल रेजिलियंस, जो उन्होंने उस उम्र में दिखाई। मेंटल रेजिलियंस के 2 पहलू हैं, फ्लेक्सिबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म कठिनाइयों के सामने किसी तरह टिके रहना, दूसरा कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट फॉर लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल पर नजरें जमाए रखना और लगातार गलतियां सुधारते जाना। बार्सिलोना के पुराने कोच, जिन्होंने मेसी को भी कोच किया, फ्रेंच रिचकार्ड आगे कहते हैं कि एक देश में टैलेंट तो कई बच्चों में होता है, लेकिन जब प्रोफेशनल खेल का लेवल सामने आता है, तब यही नेचुरल टैलेंट युवा खिलाड़ी के लिए परेशानी बन जाता है, क्योंकि ये बच्चे नेचुरल टैलेंट के दम पर लोकल और रीजनल लेवल तो पार कर लेते हैं, पर इनका सामना प्रेशर और फेलियर से नहीं होता। ऐसे खिलाड़ी प्रोफेशनल खेल का प्रेशर नहीं झेल पाते, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पर आप ज्यादा गलती नहीं कर सकते। आपको बहुत जल्दी फेलियर से बाहर निकलना होता है, बहुत जल्दी सीखना होता है। इस प्रेशर को झेलने के लिए आपको मेंटल रेजिलियंस चाहिए। कोच रिचकार्ड कहते हैं कि मेंटल रेजिलियंस और परसिवेरेंस यानी जिद्दीपन के द्वारा मेसी ने नेचुरल टैलेंट को वर्किंग टैलेंट में बदला। इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। पहला 5 लेवल्स इन 1 सीजन। छोटी उम्र में मेसी कई गलतियां करते, जैसे बॉल के साथ जरूरत से ज्यादा भागते, गलत पोजीशन पर पास करते या सीधे डिफेंडर से भिड़ जाते और बार बार बॉल पोजेशन यानी गेंद पर पकड़ खो देते। यानी मेसी को अभी बहुत काम करना था। मेसी ने मेंटल रेजिलियंस दिखाते हुए ये सारी गलतियां ठीक की, अपना गेम सुधारा और 2005 के एक ही सीजन में 5 जूनियर लेवल पार करते हुए सीनियर लीग में आ गए। मेंटल रेजिलियंस का दूसरा एग्जाम्पल है फ्री किक सुधारना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय मेसी परफेक्ट फ्री किक नहीं लगाते थे, और उस समय जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो काम करने के लिए बार्सिलोना में रोनाल्डिनियो थे। फिर वर्ल्ड कप 2010 के लिए मेसी अर्जेंटीना कैंप में फ्री किक्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। 3 में से 2 किक्स गोल पोस्ट पर लगी। जब मेसी हताश होकर लौट रहे थे, तब डिएगो मैराडोना ने मेसी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, किक करते समय पैर को कुछ मिली सेकेंड्स ज्यादा देर बॉल से कनेक्ट करो, तभी बॉल तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। मेसी ने बहुत जल्दी अपनी कला में सुधार किया और आज वे फुटबॉल इतिहास के टॉप फ्री किक स्पेशलिस्ट की लिस्ट में आते हैं। नेचुरल टैलेंट नहीं, बल्कि मेंटल रेजिलियंस यानी कष्ट झेलने की क्षमता और लगातार खुद को बेहतर करने की काबिलियत मेसी को जीनियस बनाती है। इसलिए मेसी के सम्मान में 2013 में स्पेनिश डिक्शनरी में एक शब्द जोड़ा गया, इमेंसियो नांते, जिसका मतलब है खुद को लगातार बेहतर करने की क्षमता। मेसी के वर्क एथिक का अगर एक पहलू मेंटल रेजिलियंस है, तो दूसरा पहलू है डिसिप्लिन। लियोनेल मेसी ने जो रिकॉर्ड्स, ट्रॉफीज और गोल की संख्या में हासिल किया है, वो रिकॉर्ड्स बनाने के लिए एक प्लेयर को हर साल करीबन 60 मैच खेलने होंगे और हर मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी होगी, और ऐसा 10 साल लगातार करना होगा। एक सीजन में 60 मैच यानी हर छठवें दिन आपको बेहतरीन खेल दिखाना है, और ऐसा 10 साल लगातार करते जाना है। ये वही कर सकता है जो हर दिन शारीरिक, मानसिक तौर पर फिट रहता है, जिसके जीवन का हर पहलू डिसिप्लिन्ड है। मेसी के वर्क एथिक का एक और पहलू है जो उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाता है, वो है हार से निपटना। दोस्तों, इस घटना की गंभीरता समझिए। 2011 का हादसा। साउथ अमेरिका महाद्वीप के देश फुटबॉल के दीवाने हैं, और इन देशों के बीच खेला जाने वाला फुटबॉल कप है कोपा अमेरिका, जिसे करोड़ों लोग बहुत चाव से देखते हैं।
2011 में मैसी के पेनल्टी छूटने की वजह से अर्जेंटीना कोपा अमेरिका का क्वार्टर फाइनल हार गया। फुटबॉल के उन्मत्त देश में ये संगीन हादसा था। मैच के बाद मैसी देश के दुश्मन बन गए, उनकी खूब आलोचना हुई। न्यूज चैनल्स पर लोगों ने कहा कि मैसी को देश से प्यार नहीं है, ये केवल क्लब के लिए खेलता है। माहौल इतना खराब हो गया कि माँ और भाई पर सरफेरे लोगों ने हमला किया, उसके बाद घर पर भी हमला हुआ। इतने भारी स्ट्रेस से मैसी खुद को कैसे संभालते हैं? एंडी वेस्ट ने लियोनेल मैसी पर किताब लिखी और टॉप प्लेयर्स के साथ रहकर उन पर रिसर्च की। वे कहते हैं कि हर टॉप प्लेयर बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, फिर चाहे वो नडाल हो या रोनाल्डो या मैसी, किसी को हारना पसंद नहीं होता। बार्सिलोना के स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि जब टॉप एलीट प्लेयर्स हारते हैं तो उन्हें बहुत वेदना होती है। वे वैसा कष्ट और तीव्रता महसूस करते हैं जैसे कोई करीबी गुजर गया हो। अब दिक्कत ये है कि हर टॉप प्लेयर के करियर में कई बड़े फेलियर्स के बीच में कुछ सफलता की मीनारें होती हैं। यानी आप जितने बड़े प्लेयर होंगे उतने गंभीर उतार चढ़ाव आपको झेलने पड़ेंगे। मैसी ऐसी विफलताओं से कैसे निपटते हैं? इसका जवाब उनकी दो खूबियों में छिपा है। पहला, विजन ऑफ 100%। जो अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ हैं उनका लॉन्ग टर्म गोल केवल जीत का नहीं होता। मैसी जैसे सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अंदरूनी लॉन्ग टर्म गोल होता है अपनी क्षमता के चरम पर खेलना, हर मैच में 100% देना, और वे इस लॉन्ग टर्म गोल से कभी नजर नहीं हटाते। जिस कारण दूसरा फैक्टर पैदा होता है, एक्सेप्टेंस। जब आपका ध्यान लॉन्ग टर्म विजन पर होता है तो मैसी की तरह आप कभी अपनी विफलता को शिकायत और दर्द में नहीं बदलते। आप स्वीकार करते हो कि बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। कई बार रेफरी गलत डिसीजन देता है, कई बार दूसरी टीम को लकी पास मिल जाता है। धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि मैदान पर 22 खिलाड़ी होते हैं और बहुत सारी चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप हार जीत को स्वीकार करके केवल अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हो। एंडी वेस्ट अपनी किताब में आगे कहते हैं कि मैसी जैसे टॉप एथलीट्स अपनी हार को एक लेसन में बदलते हैं, फिर इतनी मेहनत करते हैं कि दोबारा उनको ये मलाल ना रहे कि मेरी तैयारी में और खेल में कोई कमी रह गई थी। इसलिए मैसी कहते हैं, देयर इज नो डाउट, इट्स सर्टन दैट आई विल बी 100%। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं अपने 100% के साथ मौजूद रहूंगा, क्योंकि एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बस यही कर सकता है। दोस्तों, समरी में सबसे पहले मिथ ऑफ नेचुरल टैलेंट। मेलकम ग्लैडवेल अपनी रिसर्च में कहते हैं कि लोगों को लगता है कि कुछ लोगों को टैलेंट के कारण बहुत एडवांटेज मिलता है, लेकिन सच ये है कि ये एडवांटेज शुरू में मिलता है और बहुत छोटा होता है। असली अंतर पैदा होता है जब लोग लंबे समय तक बहुत एफर्ट लगाते हैं। मेंटल रेजिलियंस और परसिवेरेंस यानी जिद्दीपन के साथ ही मैसी ने नेचुरल टैलेंट को वर्किंग टैलेंट में बदला। मेंटल रेजिलियंस के दो पहलू हैं। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म कठिनाइयों के सामने किसी न किसी तरह टिके रहना। दूसरा, कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट फॉर लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल पर नजरें जमाए रखना और लगातार गलतियां सुधारना। लियोनेल मेसी के माइंडसेट का दूसरा पहलू है हार से निपटना। जितना बड़ा प्लेयर होता है उतने ज्यादा फेलियर्स और उतने गंभीर उतार चढ़ाव होते हैं। इसलिए मैसी जैसे टॉप एथलीट्स का विजन होता है 100% का। वे हार जीत के आगे हमेशा 100% देना चाहते हैं, इसलिए वे अपनी हार को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, एक्सेप्टेंस, फिर मेहनत करते हैं जिससे खेल और अभ्यास में कोई कमी ना रह जाए। इसलिए वे गंभीर हार से और स्ट्रेस से बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए जिद्दीपन के 8 नियम जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो, उस पर वीडियो जरूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।